दिल्ली में अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक फैसला किया है कि 1 जनवरी से सम यानी इवन और विषम यानी ऑड नंबर की गाड़ियां अलग अलग दिनों पर ही चलेंगी। क्या है ये नया फॉर्मूला, आइए हम आपको बताते हैं। एक जनवरी 2016 से दिल्ली की सड़कों की ऐसी तस्वीर में बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में मौजूद करीब 80 लाख गाड़ियों को अब दिन के हिसाब से ही निकलने की इजाजत होगी। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो एक दिन सिर्फ सम नंबर वाली गाड़ियां ही चलेंगी तो दूसरे दिन विषम नंबर वाली गाड़ियां ही दौड़ेंगी। यानी हर दिन दिल्ली की सिर्फ आधी गाड़ियां मतलब 40 लाख गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर निकल सकती हैं। फिलहाल ये नियम सिर्फ दिल्ली के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर ही लागू होगा। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से इसे लागू करने का फैसला किया है। अब आपको सम और विषम नंबर का फॉर्मूला भी समझाते हैं। जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो सम नंबर वाली गाड़ियों की श्रेणी में आएंगी। जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वो सभी विषम नंबर की गाड़ियां होंगी। वी विल इम्प्लीमेंट फॉर सम टाइम ऑड एंड इवन नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑपरेशन बिगनिंग फ्रॉम विल मेक ऑल एफर्ट्स टू स्टार्ट इट फ्रॉम द 1st of January। नाउ टू मेक इट पॉसिबल यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग दैट इज एन ऑड नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाई ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड इवन नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाई ऑन अनदर डे। फिलहाल VIP नंबर, इमरजेंसी नंबर और दूसरी जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों पर आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। उम्मीद है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने की इस अनोखी कवायद का असर भी दिखाई देगा। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोणम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा जिससे प्रधानमंत्री Hello, everybody. So I think most of you in the crowd are in schools now. So you've probably started to think about which college you want to choose, where you want to go to. And we're here to at least...